जी नमस्कार दोस्तों, BTC NM 10709 बिग अपडेट यहाँ पे बताना चाहता हूँ। पटना हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला है, जो 2 अप्रैल को आज का फैसला आ चुका है। बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है दोस्तों। वीडियो को एकदम स्किप मत कीजिएगा, लास्ट के अंत तक देखिएगा कि BTC NM की बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है, और मेरे साथ बने रहिए। अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि बहुत खुशी की बात है, दोस्तों यहाँ पे सुनवाई हुई है कल के डेट में, जो मैसेज किया था, जो ऑनलाइन का प्रमाण भी मिल गया है, जिसमें LPA जो 243 है वो 4 नंबर पे CLMA पे है, यानी कि आरती कुमारी का। जो LPA 244 है वो आपको आरती कुमारी का है CL नंबर 5 पे, और तीसरा रहा कि LPA 238 है जो अर्चना कुमारी का है, जो केस नंबर यानी कि CL नंबर 26 पे यहाँ पे दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि साथ साथ कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न भी यहाँ पे आ रहा है कि आरती कुमारी का जो केस है वो मिगार मेली सर के जगह पर नवीन कुमार के नाम पे है। तो उन्हें बताना चाहता हूँ किन्हीं किन्हीं को कि ये टेक्निकल बात है, किसी को भी सीरियल वकील न होने के कारण नए रीड करते हैं, नए वकालतमन फाइल करते हैं, और उनका सीनियर का नाम है तो ये दोनों कर सकते हैं। सीनियर वकील भी बहस भी अपीयर होते हैं और बहस करते हैं, और जब जजमेंट आती है तो उनमें उनका नाम होता है। इसलिए समझाना चाहता हूँ मैं आपको कि कन्फ्यूज़न मत करें और इनकी सहायता करें। इसमें बताना चाहता हूँ कि दोस्तों कि जो बहस आपको 2 अप्रैल को जो हुआ है उसकी सुनवाई नेक्स्ट आपको 9 अप्रैल को यहाँ पे डेट दे दिया है कि फाइनल लास्ट इसका अपडेटिंग है कि इनके लास्ट तक ज्वाइनिंग करा देनी चाहिए। इसका पटना हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला आएगा कि BTC NM की जितने भी नियुक्ति या अपीयरिंग या फिर एग्ज़ाम पास करके जो बैठे हुए हैं उन सब की नियुक्ति 9 अप्रैल को आने वाली फैसला में आपको सभी को सूचना दी जाएगी कि जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करें। फिलहाल के लिए ये आज का अपडेट निकल के आई है 2 अप्रैल का, जो मैं आपको यहाँ पे मैं बता दिया हूँ पटना हाई कोर्ट के तरफ से। बाकी अगर जैसा भी होता है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी जानकारी आपको देंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।